मेरे दोस्त, तुझे रिमोट बनना है या टीवी बनना है? अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ये समझ लो कि तुम एक सिर्फ टीवी हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड का और तुम्हारे टाइम का कोई और रिमोट कंट्रोल कर रहा है। आप उस रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे हो, तो बेहतर ये है कि रिमोट बनो, ना कि टीवी। और मुझे नहीं लगता प्राइवेट सेक्टर में अगर तुम्हें कोई रिमोट कंट्रोल कर रहा है, ज़िंदगी का स्ट्रेस कभी 0% होता है। कुछ ना कुछ वो बना ही रहता है, चाहे 1% हो, 5% हो, 10% हो, 50% हो, लेकिन ज़िंदगी का स्ट्रेस कभी कम नहीं होता है। और हाँ, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि जॉब मत करो, कि टीवी मत बनो, बनो कुछ दिन के लिए बनो, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन पूरी लाइफ के लिए टीवी मत बनो उस कम। अगर पूरी लाइफ उस टीवी के लिए निकाल दिया ना, तो समझो लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव हो नहीं पाता है। आपकी ज़िंदगी हमेशा स्ट्रेसफुल में ही निकलेगी अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो, ये एक रियलिटी है। लेकिन स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करो करो, लेकिन कोशिश हमेशा यही करो कि एक ना एक दिन रिमोट ज़रूर बन जाओ, ताकि आप दूसरों को कंट्रोल कर सको। क्योंकि दुनिया में 96% लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं और पूरे नहीं कर पाते हैं। 4% लोग वो होते हैं जो सपने देखकर और उसे पूरे करते हैं, तो उनकी मेहनत और लगन, उनकी हार्ड वर्क बहुत करते हैं वो। हाँ मेरे दोस्त, मुझे पता है अगर आप जॉब के साथ साथ ये सब चीज़ें करोगे तो आप बिजी रहोगे, बिल्कुल बिजी रहोगे, जाहिर सी बात है, लेकिन सिर्फ कुछ दिन। और जब एक दिन आप एक बिजनेसमैन बन जाते हो और जब आप एक रिमोट बन जाते हो, तब तो आपकी सुकून की ज़िंदगी होती है। क्योंकि जो आप काम करते हो ना, वो अपने लिए करते हो फिर, और अपने हिसाब से करते हो। आपका मन है 10 से 4 काम करोगे, आपका मन है इवनिंग में 6 से 12 काम करोगे, मतलब अपने हिसाब से काम करोगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो काम करोगे, और अपनी फैमिली को अपने हिसाब से टाइम दे पाओगे। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप सिर्फ उसी के हिसाब से ही काम कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ का कि आप जॉब करो या ना भी करो, अगर स्टार्टिंग से आपको करना है, कोई छोटा सा स्टार्टअप हो, छोटा सा स्मॉल स्टार्टअप हो, 20,000, 25,000, 30,000, बस उसमें ये सोचो कि हम इसको ब्रॉड कैसे बना सकते हैं, हमें आज 1,000 से इसको 1,00,000 तक मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ। और आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको बताते हैं कि आपको बिजनेस अब्रॉड कैसे करना है। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो आप 10, 15, 20, 50 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हो और उससे करोड़ों कमा सकते हो, ये फैक्ट है। क्योंकि आपको पहले मार्केट बनानी है। जब एक बार आप मार्केट बना लेते हो ना, तो एक आइटम से अगर 1 रुपया भी मिल रहा है तो उसका भी टर्नओवर करोड़ों में होता है। तो मेरे दोस्त, हमेशा कोशिश करो कि रिमोट बने ना कि टीवी, ऑनर बने ना कि एम्प्लॉय, बिजनेसमैन बने। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग उस दौर से निकले हुए होते हैं, हम लोगों के बैकएंड में ये बहुत कम सिखाया जाता है कि नहीं, आपको बड़े होकर बिजनेसमैन बनना है। हमेशा ये बताया जाता है आप पढ़ाई करो और एक जॉब करनी है, एक अच्छी जॉब करनी है, यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। लेकिन अब हम लोग कर सकते हैं, अपने से सीख सकते हैं। तो आप अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो आपको पता चल गया होगा कि बिजनेस और जॉब में कितना बड़ा फर्क है। तो वही दोस्त है, रिमोट बनो, टीवी नहीं। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूँ शुभम, एंड टर्निंग आउट फॉर द डे।